मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सोमवार को राशन दुकान संचालकों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के निराकरण की मांग की है। महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि अक्टूबर के बाद अब नवंबर माह में भी सर्वर डाउन होने से राशन वितरण में समस्या आ रही है। समय पर खाद्यान्न नहीं मिलने से रोजाना वाद विवाद की स्थिति बन रही है। इसके निदान के साथ ही एमडीएम व पोषण आहार का कमीशन लंबे समय से नहीं मिला है। यदि ऐसा होता रहा तो वितरण बंद करने को मजबूर होंगे। इसके अलावा दुकानों तक समय पर खाद्यान्न भंडारण नहीं हो रहा, जिससे हितग्राहियों को भी समय पर राशन वितरण नहीं कर पा रहा है। बैंक सेवा नियम संशोधन प्रक्रिया के बाद भर्ती में उन्हें प्राथमिकता दिए जाने जैसी मांगे की है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। जो हमारे जिले में लगभग 90% नेताओं को नहीं दिया जा रहा है, मात्र 5-10% सस्ता है जो दे रही है। आपसे निवेदन है, क्योंकि सरकार ने विक्रेताओं के लिए उसको 1/3 किया है, तो विक्रेताओं को दिलाया जाए। समस्या आ रही है कि पूरे जिले में कुछ लोग 181 पे शिकायत कर देते हैं, इससे कि सेल्समैन जबरदस्ती में परेशान होता है। उसकी कोई गलती नहीं होती, फिर भी उसे प्रताड़ित किया जाता है, वो मानसिक रूप से वो परेशान होता है। तो हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि ऐसे ब्लैकमेल जो भी करते हैं उन पर रोक लगाई जाए। वास्तव में जिसने गलत किया उसको सजा मिलना चाहिए, लेकिन जो नहीं है उसमें कसूरवार उसको भी इस तरीके से जानकारी मांगना और शिकायत करना, ये कोई औचित्य नहीं है। और आज की विशेष मांग तो सर्वर को लेकर थी, जो हमारे लखन चौधरी जिलाध्यक्ष और तिलोक भाई के नेतृत्व में पूरी टीम आई थी, उन्होंने रखी है माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से कि हमारी सर्वर की समस्या हल हो, जिससे कि हम सब दुकानदार सही दुकान चलाने में अपना सहयोग प्रशासन, जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन को कर सके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।